नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज काफ़ी सारा रिसर्च है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसको अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो फिर अधूरा ज्ञान जो होता है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। आज आपका जो दिया हुआ विषय है वो है जॉर्ज सोरोस, कि ये जॉर्ज सोरोस कौन है और इसकी वजह से क्या क्या आपत्तियाँ भारत के अंदर आई हैं। मैं उससे पहले बात शुरू करूँ, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि सुबह सुबह उठ करके मियाँ खलीफा ने एक पोस्ट की और उस पोस्ट में उसने बताया किस प्रकार से जगमीत ने उसके पास में भोजन भेजा। हालांकि वो भोजन तो कनाडा ही है, लेकिन कहा यह गया है कि इसको खा करके तुम जो भारतीय किसान हैं, जो धरने पर बैठे हैं, उनको सपोर्ट करो। दोस्तों, क्या आपको पता है जगमीत कौन है? जगमीत वो व्यक्ति है जो भारत में पूरी तरीके से बैन है। ये वो व्यक्ति है जो कनाडा में पार्लियामेंट मेंबर रह चुका है। ये वो व्यक्ति है जिसने खालिस्तान के लिए फाउंडेशन बनाया, फंडिंग की, और उसके आधार पर ये भारत में बैठे हुए लोगों को कुछ काट छांट करके फोटोज वीडियोस भेजता है, भड़काता है कि भारत में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ये व्यक्ति एमओ धालीवाल का पक्का दोस्त है। एमओ धालीवाल वही व्यक्ति है जिसने पिछले दिनों 26 जनवरी को भाषण दिया था और कहा था कि किसान बिल वापस करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं, बल्कि इसके बाद में खालिस्तान की डिमांड करना है। इसका उद्देश्य है भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। यदि बॉर्डर पर बैठे हुए तथाकथित किसान नेताओं को जरा भी शर्म होती तो विदेशी लोगों के इस षड्यंत्र का पता होते ही वो तुरंत अपने घर पहुंच जाते और कहते कि किसान की लड़ाई सरकार के साथ रहेगी, लेकिन उस लड़ाई में हम बाह्य व्यक्तियों का, देश को तोड़ने वाली शक्तियों का कोई भी हिस्सा नहीं बनने देंगे। लेकिन वहां से तो अभी भी लगातार अल्लाह हू अकबर और नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं। वहां से अभी भी कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति पंचायत करने के लिए बिजनौर रचित जाट के घर पर नहीं पहुंचा है। दोस्तों, आज अगर मियां खलीफा इस तरीके के ट्वीट्स कर रही है तो उसके पीछे जो ताकतें खड़ी हैं उनको समझने की आवश्यकता है। हालांकि एक ट्वीट स्वरा भास्कर ने भी किया था और उसने लिखा था कि जाहिलों की जमात है। मैंने भी लिखा था कि जमात तो पहले से ही जाहिलों की है। यह सुनकर के बहुत सारे लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जमात है एक नई, जिसको हम कह सकते हैं आंदोलन जीवी। अब ये जो नई जमात खड़ी हुई है ये वास्तव में है परजीवी ही। ये भारत को तोड़ने वाली शक्तियों से पैसा लेकर के यहीं के लोगों को, यहाँ के सिस्टम को गाली देने में जरा भी गुरेज नहीं करती है। आज हम जो बात करने वाले हैं जॉर्ज सोरोस के बारे में, जॉर्ज सोरोस को बहुत सिंपली समझने के लिए आप इस फोटो को देखिए। जॉर्ज सोरोस एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर नरेंद्र मोदी के प्रति घोर घृणा भरी पड़ी है। इवन इतना ही नहीं, हिंदुओं से भी यह व्यक्ति बहुत नफरत करता है और मुसलमानों से इसको अत्यंत प्रेम है, न जाने क्यों, क्या वजह है। यह व्यक्ति $100 मिलियन डोनेट करता है अनह्यूमन प्रमोट करती है रिहाना को, और रिहाना तुरंत कूद जाती है किसानों के आंदोलन के बीच में। द प्रिंट अपनी खबर में बताता है कि $2.5 मिलियन इसको देता है कौन? पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, एक ट्वीट करने के लिए। आगे पैसा शायद मिला नहीं, इस वजह से उस वो ट्वीट कर पाई नहीं है। भारत की तरफ से भारत के जो हीरोज हैं उन्होंने ट्वीट किया तो लोगों ने उनको बिकाऊ बता दिया। दरअसल चोर को हर आदमी चोर ही दिखता है। इस वजह से जो लोग पैसा देकर के ट्वीट करवा रहे हैं, जो उनको पैसा दे रहे हैं और फिर री गाना बना रहे हैं, उन लोगों की जो नियत है वो हमें स्पष्ट पता लगती है। दोस्तों, ये जो रिहाना है ये एक फाउंडेशन तैयार करती है, और इस पूरी की पूरी रिसर्च का लिंक भी मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। वहां से आप लोगों को पता लग जाएगा किस प्रकार से रिहाना ने बिक करके ये ट्वीट किया, सेम टू सेम हूबहू वही ट्वीट किया जो कि खुद एमओ धालीवाल ने तैयार करवाया था, जो कि एक खालिस्तानी है। यहां से हमें पता लगेगा किस प्रकार से वही ट्वीट कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करता है, यानी कि कांग्रेस का इसमें हाथ है। वीडियो के अंत तक आते आते आप लोगों को यह भी पता लग जाए किस प्रकार से राहुल गांधी ऑलरेडी इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में शामिल है। यहां से हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लारा लियोनल फाउंडेशन एक बनाया गया था 2012 में रिहाना के द्वारा, और इसमें एक व्यक्ति है जो डायरेक्टर है, वो है मई लेसिटर, MAI लेसिटर।
यह वो व्यक्ति है जो बराक ओबामा के इलेक्शन से जस्ट पहले तकरीबन 10 लाख यूएस डॉलर उनकी पार्टी को भेजता है एज डोनेशन। और ये जो व्यक्ति है ये ट्रस्टी है इस बोर्ड का, जिसका नाम है क्लारा लियोनल, जिसकी स्थापना की थी रिहाना ने। और ये व्यक्ति बराक ओबामा के आने के बाद में मेंबर ऑफ द नेशनल फाइनेंस कमिटी बन जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही सरकार बदलने वाली होती है 2016 में, उससे जस्ट पहले बराक ओबामा सोरोस को, जॉर्ज सोरोस को $9 मिलियन भेजता है, जिसकी काफी आलोचना उस टाइम पर अमेरिका में हुई थी। और यही नहीं, हिलेरी क्लिंटन जब जो 2016 में ट्रंप के सामने खड़ी हुई थी, उसने भी जॉर्ज सोरोस की काफ़ी बड़ाई करी थी, काफ़ी जोरों शोरों से करी थी। अब हम जान लेते हैं कि जॉर्ज सोरोस है कौन। जॉर्ज सोरोस के अंदर खूब नफरत भरी पड़ी है मोदी और हिंदुओं के खिलाफ, इसके स्टेटमेंट से आपको पता भी लग सकता है। यही नहीं, 2016 में रिहाना ने स्पेशली कैंपेनिंग की थी हिलेरी क्लिंटन के लिए। अब आप जरा समझते रहना, इन सभी डॉट्स को जोड़ लेना। इन डॉट्स को जैसे जैसे आप जोड़ते जाएंगे, आपके सारे के सारे दिमाग खुलते चले जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। और ये जो पोएटिक जस्टिस है, ये भारत की छवि को, यानी कि चाय और योग की छवि को, यानी कि मोदी और योग के अनुसार जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इन सब की छवि को पूरी तरीके से धूमिल करने की बात करते हैं। और इसके बारे में यहां हमें पता लगता है जब हम जो प्रायोर एक्शन थे इस पूरी की पूरी किट के अंदर, उसके बारे में पढ़ते हैं। वहां से हमें पता लगता है कि फिजिकल एक्शन क्या क्या लिए जाने हैं। उन फिजिकल एक्शन में लिखा हुआ था कि नियर इंडियन एम्बेसी, गवर्नमेंट ऑफिस, मीडिया हाउस और जो अडानी अंबानी ऑफिसेज हैं ग्लोबली, इनके ऊपर हमने जाना है और वहां से हमने पूरे विश्व को संदेश देना है। इसके बाद में हमें पता लगता है कि किस प्रकार से टूल किट, अगर हम बैक गियर लगाते हैं टूल किट से, तो हमें सबसे पहले मिलता है वहां से आस्क इंडिया, आस्क इंडिया से हमें मिलता है पोएटिक जस्टिस, पोएटिक जस्टिस से हमें कौन मिलता है, अहमद अलीवाल और जगमीत सिंह, जगमीत सिंह से हमें सीधा लिंक मिलता है मियां खलीफा के साथ में। और उधर यदि हम अनह्यूमन राइट्स की बात करें तो वहां से हमें किसका लिंक मिलता है, रिहाना का, यानी कि दोनों के दोनों लिंक वहां से संबंधित हैं। हालांकि कई बार वो लोग एक्सपोज कर चुके हैं अपने आप को, बता चुके हैं किस प्रकार से आपको कौन सी नारेबाजी करनी है, आपने वहां से खालिस्तान के झंडे फहराए, आपने वहां से प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स बोले, आपने वहां पर खालिस्तान के बैनर और पोस्टर लगाए, तब भी क्या लोग नहीं समझेंगे कि भैया ये किसान आंदोलन नहीं है, ये रेफरेंडम 2020 का थोड़ा सा जो बदला हुआ स्वरूप है, 21 में जो पहुंचा है, सिर्फ और सिर्फ वो है। लेकिन मैंने बताया ना कि यहाँ पर जातिवाद के नाम पर एक कर लिया जाता है, थोड़े पैसों के नाम पर एक हो जाते हैं लोग, और दो घूंट दारू के नाम पर भी एक हो जाते हैं लोग। तो इस वजह से भारत में तोड़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, 135-140 करोड़ लोग हो गए हैं। अब उसमें से 30-35 ज़्यादा भी मिल सकते हैं और देशों की अपेक्षा आप लोगों को यहाँ पर, तो ये स्थिति है। लेकिन जो देशभक्त लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि इन लोगों की कौन सी सिकाई हमें करनी है, ताकि इनका जो दिमाग के अंदर उठा हुआ फोड़ा है देश विरोधी ताकतों में, वो किस प्रकार से हमें सिकाई करके ठीक करना है। इसके साथ ही साथ हमने आपको एक वीडियो दिया था बाकायदा, वो भी पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, कि जहां से हमने सारे के सारे लिंक आपको जोड़ करके बताए थे। जॉर्ज सोरोस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस की एनजीओज 2016 में भारत में बैन की गई थी। तो ये जो जॉर्ज सोरोस की जो फाउंडेशंस हैं, ये सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं ऐसे लोगों को, वो जो रोहिंग्या हैं, वो जो किसी ना किसी अपराध में संलिप्त हैं, उन लोगों को यहां पर भारतवर्ष के अंदर कोई भी कोर्ट केस लड़ना हो तो वो उनको फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, उसका भी आपको यहाँ पर क्लू मिल जाएगा। साथ ही साथ इन्हीं की जो एक फाउंडेशन है, जो तीन फाउंडेशन जिनके ऊपर यहाँ बैन लगा था, उसी में से है एक फ्रेंच शेरपा, जिसने कि रफाइल के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, केस में करप्शन हुआ है, उसी को आधार बना करके राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है, रफाइल में घोटाला हुआ है, रफाइल इतने की नहीं इतने की थी, ये सारा का सारा किसने किया, राहुल गांधी ने। और ये किसके एनजीओज के द्वारा उठाए हुए इश्यूज थे, वो था जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस को किसने फंडिंग की थी, अमेरिका की पार्टी ने।
जॉर्ज सोरोस किसको फंडिंग करता है? अनह्यूमन को। जॉर्ज सोरोस ने पैसा किस लिए इकट्ठा किया था? ताकि भारत के अंदर हिंदू को सप्रेस किया जा सके और हिंदूवादी सरकार, तथाकथित हिंदूवादी सरकार, मुझे तो नहीं पता कौन सी हिंदूवादी सरकार है, रोजाना तो साधु संत और हिंदू मर रहे हैं। इवन भाजपा के कार्यकर्ताओं का अपमान हो जाता है यार, भाजपा कहीं दिखाई नहीं देती है। तो उसको गिराने के लिए सारे के सारे काम हुए थे। इसके बाद में राहुल गांधी के ऊपर जो केस चला, उसके बाद में फिर राहुल गांधी को माफ़ी तक मांगनी पड़ गई थी कि मैंने गलत कहा है कि चौकीदार चोर है। अब राहुल गांधी के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कांग्रेस पार्टी ने अभी डिक्लेयर किया है कि उसको किसने कितना डोनेट किया है। दोस्तों आईटीसी ने खुद तकरीबन 21 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। आईटीसी खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, लेकिन आईटीसी का कहीं से लेकर कहीं तक भी नाम नहीं है। क्या आप जानते हैं, क्या किसान लोग जानते हैं, क्या कथित किसान नेता जानते हैं कि आईटीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हिस्सा है जो कि भारत में छूट गया था, लेकिन ये हमेशा से ही कांग्रेस को सपोर्ट करते आए हैं। दोस्तों आईटीसी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है। अंबानी अडानी कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करते, उनकी फील्ड एकदम अलग है, लेकिन उनके खिलाफ खड़े हैं लोग। आईटीसी के खिलाफ अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बीच में से क्विट करने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए जुर्माना, 1 महीने की सजा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियमों में व्यक्ति किसान कभी भी क्विट कर सकता है, लेकिन ये लोग दलाल उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं जाकर के कि भाई क्यों निकल सकता है बाहर, सजा होनी चाहिए किसान को। तो उसके लिए आज टिकैत साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरी चीज, जियो हिंदुस्तानी है, एयरटेल हिंदुस्तानी है, लेकिन एयरटेल 31 करोड़ रुपए डोनेट करता है, इसलिए एयरटेल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जियो के जहां पर भी आपको संदिग्ध लगा के टावर हैं, तोड़ दिए गए। अब क्या इन सारी चीजों से आप समझते हैं, मियां खलीफा के सामने भोजन परोसने वाला व्यक्ति, रिहाना को पैसे भेजने वाला व्यक्ति कौन है? ग्रेटा थनबर्ग, शायद हो सकता है कि उसको पैसे ना मिले हो बेचारे को, तो उसने सबको एक्सपोज कर दिया। बच्ची है, बच्ची है, तो मैंने सोचा होगा चॉकलेट दे दो, इसको बहका दो। अब हो सकता है उसने उससे बिफर करके ये कर दिया हो काम, लेकिन उसके बाद में काफी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हो नहीं पाए। अब डेंट के ऊपर डेंट पड़ते चले जा रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि इसके पीछे किनकी और कितनी साजिश है। हम और आपको सबको पता है कि चाइना की प्रिंसेस रिहाना किस तरीके से काम करती आई है, किस प्रकार से उसने अफ्रीका को तोड़ा, चाइना के पैर के नीचे उसको लेकर के आई, किस तरीके से वो पैसे के लिए पहले से काम करती आई है। क्या आप जानते हैं इस बात को, रिहाना का खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, वो है पैसे से, और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये लोग दर बदर एक्सपोज होते जा रहे हैं, हमारे लोग जागरूक होते जा रहे हैं और वो लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से खालिस्तानी गैंग से जुड़े हुए पाकिस्तानी लोग, किस प्रकार से खालिस्तानी गैंग से जुड़े हुए अमेरिकन लोग और कनाडाई लोग जो भारत में पूरी तरीके से बैन हैं, वो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। इन सभी डॉट्स को जोड़िए, सोरोस की जो चाल है उसको समझिए और भारत के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको देख करके बहकने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आम साधारण किसान को सुनने की आवश्यकता है। आम साधारण किसान की प्रॉब्लम क्या है उसको सुनने की आवश्यकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम सदियों से करते आ रहे हैं, आज तक हमारी जमीन नहीं छीनी, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले सभी लोग जानते हैं। इस वजह से दोस्तों इस को डिटेल में बनाना अत्यंत आवश्यक था कि जॉर्ज सोरोस के बारे में आप लोगों को पता लग सके। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देखी तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती, जब आती हैं तो लोग उनको शेयर नहीं कर पाते, जबकि जो भारत के खिलाफ चलने वाला प्रोपेगेंडा है उसको लोग इतना शेयर कर देते हैं कि अच्छा भला दिमाग का व्यक्ति भी बहक जाता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।